Hello everyone and welcome back again to another fresh video of Ashutalks. I hope you all are doing absolutely fine. So guys, आज की इस वीडियो में Cognizant की तरफ से एक बहुत ही अच्छी हायरिंग अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ. क्या क्या रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई किस तरह से करना है, सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर न्यू जॉब की अपडेट्स मिलते रहे. अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, बात कर लेते हैं Cognizant की तरफ से प्रोवाइडेड जॉब के बारे में. आप देख सकते हो एसोसिएट की यहाँ पे आपको जॉब देखने मिल जाती है, चेन्नई तमिलनाडु लोकेशन देखने मिल जाती है. क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए, बैचलर्स इन साइंस, इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, ठीक है. तो अगर आप बीएससी कैंडिडेट हो, बीसीए कैंडिडेट हो या तो इंजीनियरिंग कैंडिडेट हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर ली जाए, अंडरस्टैंड द फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, पार्टिसिपेट इन क्लाइंट कॉल एंड प्रिपेयर द क्लेरिफिकेशन लिस्ट टू सीक क्लेरिफिकेशन, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एंड सीक रिव्यू इनपुट्स, अपडेट रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स. यही बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट है जो कि आप देख सकते हो. डिजाइन देखने मिल जाता है, आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ रीयूजेबल एसेट्स, शेयर द लिस्ट ऑफ कंपोनेंट विद सीनियर डेवलपर, प्रोवाइड इनपुट टू क्रिएट द लो लेवल डिजाइन. ये सब आपको डिजाइन सेक्शन में देखने मिल जाता है. अब यहाँ पे आपको कोडिंग सेक्शन में देखने मिल जाता है, बेस्ड ऑन एलएलडी आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, सेट अप द एनवायरमेंट फॉर क्रिएटिंग द रिक्वायरमेंट, रिप्लीकेट द एक्जिस्टिंग कोड टू द एनवायरमेंट. यही बेसिक चीजें दी गई है. फिर टेस्टिंग मैनेजमेंट आ जाता है, कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट आ जाता है, डिप्लॉयमेंट आ जाता है. तो ये सभी चीजें आप रीड आउट कर सकते हो. फिर आ जाता है सर्विस सपोर्ट एंड मेंटेनेंस. सपोज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस का वर्क आ जाता है, नॉलेज मैनेजमेंट का, पीपल मैनेजमेंट का, ये सभी चीजें आ जाती है. मस्ट हैव स्किल की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट SSIS आपको आना चाहिए. फिर गुड टू हैव स्किल्स, सीबेल एनालिटिक्स हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, माई एसक्यूएल सर्वर, एमएस एसक्यूएल सर्वर हो गया. ये स्किल्स अगर आपके पास है तो आपको एक प्लस पॉइंट देखने मिल जाता है. तो यही बेसिक चीजें इस जॉब की. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर जॉब की अपडेट मिलती रहे. थैंक यू.